Very good morning, all of you. Welcome back. I hope you all are fine, my dear friends, and you're watching English by Joseph, ma'am. Sorry for one day's delay. I was not able to upload the video. मैं एक दिन का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज़ बिजी बिजी थी मैं घर पे, क्योंकि मेरे बच्चे का बर्थडे था और उसमें से फंक्शन में तो वो पॉसिबल नहीं हुआ. सो ओके, एनी वे आई एम योर राइट बैक नाउ अगेन विथ योर क्लास, इंग्लिश क्लास. एंड नाउ आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ऑल ऑफ यू, ऑल माई व्यूअर्स, दोज हु आर वॉचिंग मी. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड सपोर्ट. एंड बिकॉज ऑफ योर कमेंट एंड सपोर्ट आई एम लाइक ट्राइंग टू इम्प्रूव. मैं और कोशिश कर रही हूँ कि आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन अ क्लास. ओके, सो टुडे आई ब्रॉट समथिंग अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल, सेंटेंस मेकिंग. तो व्हाट इज सेंटेंस मेकिंग? सेंटेंस मेकिंग इज लाइक कोई भी वर्ड को लेके आप सेंटेंस बनाते हो. नाउ यू ऑल मस्ट बी नोन, आप लोग पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड है जो हर एक वर्ड्स को मिला के प्रॉपर सेंटेंस बनता है, एक वर्ड बनता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक गर्ल इज द, पूरे को मिला के प्रॉपर सेंटेंस जो एक प्रॉपर सेंस बनता है, तब आप बोल सकते हो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे, इज गर्ल रनिंग, सो इज इट मेकिंग एनी सेंस? गर्ल दौड़ रहे है, तो ऐसे कोई सेंटेंस बन रहा है, कोई शब्द बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, नथिंग. सो व्हेन सेंटेंस ये होता है कि आप इस वर्ड्स को आप उठा करके प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपरली प्लेस करके प्रॉपर तरीके से लिख के और फिर जॉइंट जब वर्ड्स को करते हैं ना, प्रॉपर मीनिंग बनता है, तब उसको सेंटेंस बोलते हैं. लाइक द गर्ल इज रनिंग, नाउ इट्स मेकिंग अ सेंस. द गर्ल इज रनिंग, लड़की दौड़ रही है. अब आपको समझ में आ रहा है, येस द गर्ल इज रनिंग. अनदर थिंग, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सेंटेंस मेकिंग, वेन यू स्पेशली फॉर राइटिंग, राइटिंग पार्ट आई एम टेलिंग यू, वेन यू आर राइटिंग, जब आप लिखते हैं, अ सेंटेंस जो होता है ऑलवेज इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. मतलब कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, बड़े अक्षर से. नो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, टीना इज रेडी टू गो टू द पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो टीना इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, टीना एक लड़की का नाम है. सो ऑलवेज अ नेम और अ प्लेस, विच अवर प्लेस, विच अवर थिंग, वट एवर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. आप लोग पहले क्लासेस में बचपन में ये सब चीज़ें खेलते हो, अभी भी कुछ बच्चे बहुत खेलते हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. सो नेम, विच एवर नेम इज द, लाइक कोई भी प्रॉपर नेम, एनिमल्स नेम, पर्सन्स नेम, प्ले स्पीकिंग कंट्रीज नेम, ऑल बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. Another most important thing is it always after when you write the sentence in a capital letter, you also have a full stop here. Sorry, this is a mark over here. It has a full stop. That means the sentence is complete. So here there is a sentence over here, one word, ready, READY, ready. Ready matlab tayar hona. The guests are ready to come. Children are ready to take the class. टू हैव और सिटिंग, द चिल्ड्रन आर रेडी रेडी फॉर द लंच, मतलब तैयार है, लंच इज रेडी. ऐसे चीज़ें सेंटेंस जो बनता है वर्ड से, वन वर्ड. नो आई हैव रिटन हियर, टीना इज रेडी टू गो टू द पार्टी. टीना इज रेडी टू गो टू द पार्टी एंड हियर इज अ फुल स्टॉप हियर. सो वेन एवर यू मेक अ सेंटेंस, दे शुड हैव अ कम्प्लीट फुल स्टॉप. अ कम्प्लीट सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर सेंटेंस जो मीनिंग रखता हो, जिसमें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सेंटेंस है. अनदर थिंग, इट ऑलवेज हैज़ अ फुल स्टॉप. जब भी कोई सेंटेंस को कम्प्लीट करते हो तो उसमें फुल स्टॉप भी लगाना ज़रूरी होता है. ओके, नाउ टुडे आई ब्रॉट सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर वर्ड्स ओवर हियर. वर्ड्स से वर्ड्स में लेके आई हूँ आप लोग के लिए. इन दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस वेरी स्मॉल. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस. बिकॉज वट आई सेड इन द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश बोलना उतना आप परफेक्ट होगे. सो नाउ वॉट इज दिस, क्यों हमने आज सेंटेंस मेकिंग क्यों रखा है क्लास में? सेंटेंस मेकिंग दैट मीन्स आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक. वर्ड्स को सोचिए, शब्द बनाइए और फिर उसको हिंदी में पहले लिखिए. तो जब आप वर्ड्स को सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके ऊपर जो आपके आपके माइंड में वर्ड्स आएंगे कि कैसे इसको और इसको लिखना है, किस तरीके से इंग्लिश में तैयार करना है सेंटेंस को. नाउ फर्स्ट, द फर्स्ट वर्ड इज़ रेडी.
नाउ आई रोट, मैंने हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, टीना इज़ रेडी टू गो टू द पार्टी, मतलब टीना पार्टी के लिए तैयार है. नाउ एवरी, ई वी ई आर वाई, एवरी, एवरी मतलब सब लोग, सब सब चीज़ें, एवरी में आता है मतलब सब चीज़. सो ना एवरी से व्हाट सेंटेंस यू मेक, क्या सेंटेंस बनाएंगे? अब जैसे अब हिंदी में आपके मन में आ गया हो कि एवरी, एवरी वन इज, सब सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें अब आपके माइंड में आ गई हिंदी में. नाउ आप उसको पेन डाउन करिए लिखने के लिए. जब आप लिखेंगे तो आप बोलना सीखेंगे, एंड यू हैव टू स्पीक दैट अप. जितना आप बोलोगे, पहली चीज़ तो इंग्लिश में हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको सुनना है और बस बोलना है. बट योर आई वॉट प्रैक्टिस इन राइटिंग ऑल्सो. आप प्रैक्टिस करोगे वर्ड्स को, वर्ड्स को निकाल के हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में लिखना है, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मेमोराइज करके आप बोल पाओगे इसको. फिर आपको लिख करके फिर आपको उसको स्पीक करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप बोलना सीखिए. ओके, एवरी, द वर्ड एवरी मीन सब लोग. सो एवरी वन इज़ रेडी, सिंपल, एवरी वन इज़ रेडी, सब लोग तैयार है. नेक्स्ट वेंट. नाउ वेंट, ये जो वेंट है इट इज़ इन द पास्ट टेंस, मतलब पास्ट में, हम गए थे, हम गए थे, हम कल गए थे. सो वेंट, ही वेंट टू द पार्टी. नाउ अगर यहाँ पे हम टीना को यूज़ करते हैं वेंट में, सो टीना वेंट टू द पार्टी, मतलब टीना पार्टी में गई थी, टीना वेंट टू द पार्टी. नाउ यू कैन मेक एनी अदर सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वेंट, एडिंग एनी अदर विद इन द वे, डिफरेंट वे. डेली, डेली मीन्स रोज. आई एम डेली हैविंग अ इंग्लिश क्लास विथ यू ऑल. द मिल्क मैन कम्स डेली, दूध वाला रोज आता है. तो डेली से आप सेंटेंस को फॉर्म करके उसको आप, यू कैन वॉट एवर दैट जो मैं आपने आपको बोला है कि वो रोज आप करते हो, डेली डेली चीज़ों को यूज़ करते हैं आपने माइंड में, डेली आप चीज़ों को हिंदी में बोलते हैं, तो उसी चीज़ को, वर्ड्स को डेली उठा करके आप सेंटेंस में बनाइए. डेली से जो भी आप यूज़ करते हो उसको, उसी में सेंटेंस आप बनाओ. नाउ कंट्री, कंट्री वेरी सिंपल, वी लिव इन अ कंट्री, माई कंट्री इज़ नेम इज़ इंडिया, आई लव माई कंट्री, सिंपल सेंटेंसेज. सो वेन यू विल नो टू मेक द सेंटेंसेज, यू विल बी एबल टू स्पीक इट अप. नेक्स्ट इज म्यूजिक. आई लव म्यूजिक, आई लव जैजी म्यूजिक. कुछ लोगों को बहुत ही तड़कता भड़कता म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को बहुत सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, एंड आई लाइक जैजी म्यूजिक. जैजी मतलब बहुत ही भड़कीला वाला म्यूजिक पसंद है. सो इन दैट यू कैन मेक सेंटेंसेज फ्रॉम म्यूजिक. नेक्स्ट इज करेक्ट. नाउ करेक्ट इज, करेक्ट इज यू कैन से सेंटेंस अलग फॉर्म में भी बन सकता है. करेक्ट का मतलब होता है सही करना. अनदर वे यू कैन से प्लीज़ करेक्ट योर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान को प्लीज़ करेक्ट, जो वे आप बोलते हो जिस तरीके से उसको सही करिए. तो इस तरीके से भी फॉर्म में आप बना सकते हैं सेंटेंस. ओके, प्लीज़ चेक योर, प्लीज़ करेक्ट योर कॉपीज़. करेक्ट योर कॉपीज़ मीन अपने कॉपीज़ को करेक्ट करो कि कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है, तो मैम उसको साइन करेंगी. सो करेक्ट इन दैट वे ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो अ सेंस. नेक्स्ट फूड. आई लव फास्ट फूड, आई लव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑलवेज, हमेशा. यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, यू आर ऑलवेज क्राइंग. इस तरीके से ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. सो इससे आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो. यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू आर ऑलवेज लाफिंग, यू आर ऑलवेज सिंगिंग. कुछ लोग हमेशा गाना गाते रहते हो आप, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो. नेक्स्ट मनी. अब मनी, एवरी वन वॉन्ट्स मनी, प्लीज़ गिव मी सम मनी. अब अगर आप किसी से मनी मांगेंगे तो, पैसे मांगेंगे तो आप हिंदी में बोलेंगे मुझे कुछ पैसे दे दो, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे उधार दे दो. सो इंग्लिश में कैसे आप फॉर्म करोगे, प्लीज़ लेंड मी सम मनी. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड, एंड प्लीज़ ऑल्सो कमेंट मी, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हो. ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या तो मुझे बस सुनते हैं, नहीं सुनते. मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज आई डोंट गेट एनी कमेंट्स. सो आई वॉन्ट योर कमेंट्स माई डियर फ्रेंड्स, दोज हु आर वॉचिंग मी. आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे आपके रिस्पॉन्स भी चाहिए. इस सेंटेंस से और क्या बन सकता है? मैंने बोला प्लीज़ गिव मी सम मनी, और प्लीज़ लेंड मी सम मनी, मतलब मुझे उधार चाहिए. अब इससे सेंटेंस और कुछ अलग से आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा. एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन बटन, जो बेल बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करिएगा, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन, जो अभी न्यू वाले आएंगे मेरे वीडियोज़, वो आप तक पहुँच सके.
ओके सो नेक्स्ट वन इज क्लेवर. यू आर वेरी क्लेवर. आप बहुत चालाक हो. आप बात भी करते हो और फिर अपना अपना प्रमोशन की बातें भी करते हो. सो लाइक दैट यू कैन मेक क्लेवर क्लेवर. द चाइल्ड इज़ वेरी क्लेवर इन स्टडीज. बच्चा बहुत होशियार है, स्मार्ट है, पढ़ने में क्लेवर. ओके नेक्स्ट वी कम टू द वर्ड बिलीव. बिलीव मतलब भरोसा करना. प्लीज़ यू हैव टू बिलीव मी. तुमको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा. ओके फार्मर. फार्मर क्या होता है? अ फार्मर इज़ अ वेरी व्हाट यू कैन से अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर फार्मर्स अगर बीज नहीं बोएंगे, अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा खाने के लिए. सो फार्मर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट इज वंडरफुल. यू आर अ वंडरफुल पर्सन. आप वंडरफुल मतलब बहुत अच्छे इंसान जैसे कह सकते हो. वंडरफुल कितना अच्छा इंसान. तो इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम. अगर कुछ प्रोग्राम अगर कहीं हुआ है तो अगर प्रोग्राम में गए, इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम और यू सैंग वंडरफुल. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो वंडरफुल से. टुडे वॉज अ वंडरफुल डे. आज का दिन अच्छा था तो आप बोलेंगे वंडरफुल डे. टुडे वॉज अ वंडरफुल डे. हॉट हॉट आप जानते हो गर्म. आई लाइक टू हैव हॉट कॉफ़ी. द सन इज़ वेरी हॉट. स्मॉल सेंटेंसेस. तो जब आप सेंटेंस जब अभी इस छोटे छोटे वर्ड से जब सेंटेंस आप बनाओगे तब क्या होगा? फिर आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा. खुद ब खुद आप सेंटेंस लिख पाओगे और खुद ब खुद आप बोल भी पाओगे आप. तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. इसलिए मैंने आज ये सेंटेंस को आपके सामने लेके आई हूँ. नेक्स्ट इज प्रॉमिस. सो प्लीज़ प्रॉमिस मी कि आप लोग ऐसे करेंगे. प्रॉमिस मी डैट यू विल लर्न इंग्लिश बाई राइटिंग द स्पेलिंग्स बाई राइटिंग द सेंटेंसेस. सो आप मैंने ये सेंटेंस बनाया आप लोगों के लिए. सो प्रॉमिस यू कैन मेक अनदर सेंटेंस फ्रॉम दैट. नेक्स्ट क्रिकेट. वी ऑल आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. आई लव क्रिकेट. चेंज. प्लीज चेंज. द चेंज हैज़ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यू से इट इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से चेंज को आप वर्ड्स में बोल सकते हो. प्लीज चेंज योर क्लोज. प्लीज चेंज द वे यू स्पीक. अपने जो जो आपका बोलने का तरीका है प्लीज़ इसको बदल लो. इस तरीके से आप बोल सकते हो. नेक्स्ट इज फेवर. फेवर मतलब प्लीज़ एक काम कर दो ऐसे बोलते ना तो उसको फेवर बोलते हैं. प्लीज़ डू मी अ फेवर. प्लीज़ गेट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी. इस तरीके से आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज मिशन. नाउ आई एम मिशन से क्या होता है? इसे कोई काम को मतलब कोई चीज़ अगर जो काम आपको दिया हुआ है तो उसको आपको करना है. नाउ माय मिशन इज टू टीच यू ऑल इंग्लिश. नाउ व्हाट इज़ योर मिशन? आप उसको सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके. ओके नेक्स्ट टाइम. टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. आई सेड मैंने सेंटेंस टाइम से बनाया. द टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. नाउ व्हाट विल यू मेक द मेक अ सेंटेंस फ्रॉम टाइम एंड लेट मी नो इन दैट. ओके नाउ कमिंग टू दीज वर्ड दिज लास्ट वर्ड्स फ्रॉम 22 to 30. फ्रॉम 22 to 30th वर्ड्स दे आर सेंसेस माइंड फॉर गिविन शाउटिंग टैकल बिजी टैक्स इनोसेंट एंड प्ले. और सेंसेस मीन्स होश में. कभी कभी आप लोग जो नॉर्मली जो बात करते हैं अपने होश में रह के बात किया करो. ऐसे बोलते हैं ना अपने होश में रह के. प्लीज़ टॉक ऑन इन योर सेंसेस. तो ऐसे आप सेंटेंस बना के सेंसेस से भी आप इस वर्ड को ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज टैकल. टैकल मीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. कोई भी बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना उसको टैकल बोलते हैं. बाकी वर्ड्स आर फॉरगिवन मतलब किसी को माफ़ करना. नाउ माय डियर व्यूअर्स आई वांट यू ऑल दिस इज एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू फ्रॉम दीज वर्ड्स आप इस वर्ड से प्लीज़ सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि मुझे पता होना चाहिए कि आपको मेरा आज का क्लास आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपको जो दिख रहा है ये सेंटेंस से आपको वर्ड्स बनाने जो वर्ड्स है आपको उसे सेंटेंस बना के मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. सो आई दैट आई कैन ऑल्सो नो दैट येस यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वॉट आई एम टीचिंग. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. टिल देन गुड बाय. गॉड ब्लेस यू. सी यू.